मिठा चारा फिर मैंने सिखा पदंग समाधियां। नमो बुद्धाय। जय वीर। सभी साथियों को मेरा नाम अत्यंत कुमार है और मैं उत्तर प्रदेश के जनपद फर्रुखाबाद का रहने वाला हूँ, जहाँ पे बुद्ध की धरती संकिसा भी है और समर संघ में कार्य कर रहा हूँ। एक कार्यकर्ता के रूप में हूँ और आजीवन समर संघ में कार्य करता रहा हूँ, ये मेरी शपथ है। साथियों, एक दिन था 5 मई, जब इस समर संघ की जब व्यू द पीपल नाम से इसको शुरू किया गया था। मेरे पास 10 मई को फोन आया इंजीनियर सूर्य कुमार जी का कि अतेंद्र, एक मीटिंग चल रही है व्यू द पीपल की, उसमें आप क्यों नहीं जुड़ रहे हैं। तो हमने कहा सर मुझे जानकारी नहीं है। फिर हमने उसी रात को मैं जुड़ा विद पीपल से, रूबरू हुआ और विद पीपल में शामिल हो गया। साथियों, आज तक ऐसा महसूस हो रहा है कि एक अमृत सा मिल गया हो समर संघ में जुड़ने के बाद, विद पीपल में जुड़ने के बाद, क्योंकि इस दुनिया में समर संघ में जो व्यक्ति पैदा होता है, पैदा होते ही समर संघी हो जाता है। ऐसी जगह जुड़ना एक बहुत ही अमूल्य चीज है, क्योंकि ये बुद्ध जी के भगवान बुद्ध जिनको संज्ञा दी गई है, उनके द्वारा ये बनाया गया संघ है, जिसको हम सब मिलकर, हम आप सभी साथ मिलकर आगे बढ़ा रहे हैं। बाबा साहब ने इसको, संघ को अपने खून पसीने से लगाकर इसको सींच कर आगे बढ़ाया। आज हम लोग उसको आगे बढ़ा रहे हैं तो बड़ा ही मतलब अंदर एक ऐसी ऊर्जा पैदा होती है कि हम ऐसे संघ में कार्य कर रहे हैं, ऐसे संघ के साथ कार्य कर रहे हैं, ऐसे संघ में रह के कार्य कर रहे हैं। साथियों, मेरे पास 15 मई को सुधीर राज जी का फोन आया था कि आप अत्यंत जुड़ गए हैं और जुड़े रहेंगे क्या। हमने बिल्कुल साहब, हमेशा आजीवन की आज भी जुड़ा हूं। साथियों, बाकी लोग तो सभी लोगों ने बताया कि संघ में जुड़ना है, लेकिन कैसे जुड़ना है। इस समय 246 लोग जुड़े हुए हैं। अगर 246 लोग प्रत्येक दिन अपने साथियों से बात करें, आपस में बात करें, अपने रिश्तेदारों से बात करें, उनके रिश्तेदारों से कहें बात करें, अपने दोस्तों से बात करें, दोस्तों से कहें कि उनसे बात करें, तो साथियों ये संघ बहुत तेजी में जुड़ेगा, बहुत तेजी से पकड़ेगा, बहुत तेजी से गति पकड़ेगा और आगे चलेगा। अगर जितने लोग नए जुड़ते हैं सभी को, अगर सभी लोग तय कर लें कि हम पांच अपने भाइयों से अगर हम बात करते हैं, एक व्यक्ति अगर अपने इसी मैसेज में ले ले तो मुझे 5 लोगों से बात करना है, तो ये परिवार इतनी तेजी से बढ़ेगा कि शायद है जो गति अभी हम लोगों को मिली है 10 महीने में, उससे कई गुना ज्यादा गति बढ़ जाएगी इसकी, क्योंकि हमको पूरे मतलब पूरे लोगों को जोड़ना है, अपने समर संगीत साथियों को सभी को एक साथ जोड़ना है, एक मंच पर लाना है, एक ही मंच पे खड़े होना है। साथियों, समर संघ सभी जानते हैं कोई पैसा नहीं लेता है, न चंदा देता है, न चंदा लेता है, न चंदा लेगा और न देगा। साथियों, ऐसी स्थिति में जब हम जुड़ते हैं तो कोई मेरा खर्च भी नहीं होता है, सिर्फ नेट का खर्च होता है, जो कि सभी साथी हमेशा करते ही रहते हैं। कहने का मतलब वही है कि आप अपना नेट वैसे भी महीने में कराते हैं तो जुड़ने में कोई दिक्कत क्या है। हम लोग इतने लोग साथी जुड़ते हैं और लोगों को जोड़ने का प्रयास किया जाए। ये तो रही जुड़ने का तरीका कि हम कैसे जुड़ सकते हैं, कितने लोगों को जोड़ सकते हैं, कैसे कैसे जोड़ सकते हैं। अगर हम सबसे बात करते रहेंगे तो ये संघ बहुत तेजी से चलेगा और हम लोग जुड़ते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। साथियों, समर संघ में पिछले 13 तारीख को 12 मीटिंग हुई है।
एक साथ, मतलब ये बहुत बड़ी, मुझे लगता है कि 10 महीने में जो सबसे ज्यादा मीटिंग हुई है, मेरे पास नोट है, उसमें सबसे ज्यादा मतलब 12 मीटिंग हुई है 13 तारीख में। तो आप सोच सकते हैं सभी लोग कि कितनी तेजी से कार्य चल रहे हैं, हमारे साथी भी कार्य कर रहे हैं। तो हमें जुड़ना है, जोड़ना है और इकट्ठा होना है, इकट्ठा करना है। मीटिंग जो भी होनी है मीटिंग करनी है, और इसी में सूचना दे रहा हूँ कि जो भी मीटिंग करे साथी, जो भी साथी मीटिंग करे, हम अपने अपना मोबाइल नंबर चैट बॉक्स डाल देते हैं, वो हमें अपनी सूचना देते रहे, जिससे कि हम उस डाटा को इकट्ठा भी करते रहें। क्योंकि डाटा जब इकट्ठा हो जाएगा तो हम सबको शेयर कर देते हैं 15 तारीख को 30 तारीख में कि कितनी मीटिंग हो चुकी है इस महीने में। साथियों, बाबा साहब ने हम लोगों के लिए इतनी मेहनत करके, दिन रात एक करके हम लोगों को इस स्थिति में खड़ा किया है कि हम आज बैठ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, कर सकते हैं, चल सकते हैं और ऊंची ऊंची इमारतों में रह सकते हैं। कहाँ नसीब था किसी का। साथियों, जरा नहीं कहेंगे, सिर्फ यही है कि जुड़ें और जोड़ें, जुड़ें और जोड़ें, और जितने साथियों को जोड़ें, जिससे कि यह समर्थन और आगे रहे, बढ़ता रहे, चलता रहे और बहुत ज्यादा गति पकड़ता रहे। हम जहाँ सामान्य लेकर बस इतनी ही बात करना चाहेंगे। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय बाबा साहब, धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएँ क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पर कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Singles.
शरणं गच्छामि साधु साधु साधु।